Hey everyone, this is Aishwarya and welcome to my new YouTube channel. As you all guys know, this is my first YouTube video, so there will be a lot of nervousness and बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स होगी यार, क्योंकि पहला वीडियो खुद को पहली बार शूट करी हूँ तो बहुत टाइम से इच्छा थी मेरी यूट्यूब शुरू करने की. शायद साल डेढ़ साल हो गया, लेकिन वो मुहूर्त आज निकला तो मैं खुद को आज शूट कर रही हूँ. और हाँ, तो जो भी मेरे वीडियोज रहेंगे वो सारे रिलेटेड होंगे क्लोदिंग हॉल से, और जो भी मेरे दिमाग में बहुत सारे कॉन्टेंट है मैं आपके साथ वो शेयर करती जाऊँगी और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँगी. तो या ये था आज का मेरे बारे में इंट्रो. इतना इंट्रो काफ़ी है, बाद में हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी बातें करते जाएंगे जिसमें आपको मेरे बारे में पता ही चलेगा. तो या आज का जो वीडियो है वो है एक मिंत्रा हॉल रिलेटेड. सो विदाउट एनी फर्दर बकवास मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी वीडियो की तरफ. सो मेरा जो पहला टॉप है वो है एक ओवरसाइज ग्रीन कलर का टी शर्ट. सो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी एंड देन विल टॉक अबाउट दैट. तो ये है वो ग्रीन कलर का ओवरसाइज टी शर्ट जिसपे लिखा है नेवर ऑन टाइम बट बी ऑलवेज ऑन टाइम. तो ये था रोडस्टर का, इसमें मेरा साइज था एक्सेस. और एक्चुअली मैंने इसको ना एक्सेस में बुला के बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि एक्सेस में ओवरसाइज लुक ही नहीं दे रहा है. सो आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड बाय दैट. और अगर मैं इसको ना एस में बुलाती तो ये बहुत अच्छे से ओवरसाइज लुक देता था, सो मैं बहुत खुश हो जाती थी. लेकिन मेरी गलती है, मैंने इसको एक्सेस में बुलाया. एक्चुअली मुझे साइज को एक्सेस लगते हैं ना, सो मैंने सोचा कि ओवरसाइज में भी मैं एक्सेस बुलाऊँ सो इट विल बी फिट टू माई बॉडी और बहुत अच्छा दिखेगा. अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना इधर उधर एक दो इंच से. तो ओके, आई विल जस्ट बेयर विद दैट. और इसका ओरिजिनल प्राइस था 799. और अगर इसको मैं चेंज भी करती थी तो ये मेरे को 799 में या फिर 599 या 399 ऐसा कुछ जो भी फ्लक्चुएट की प्राइस रहती थी उस टाइम पे उसमें गिरता था. और ये मुझे गिरा सिर्फ 250 में शायद. हाँ, 250 में. तो मैं बहुत खुश हूँ इससे. फैब्रिक है कॉटन, मैं कॉटन फैब्रिक ही प्रेफर करती हूँ इसमें, क्योंकि टी शर्ट्स में और बहुत सारी चीज़ों में जिसमें भी मैं कंफर्टेबल, मतलब जो भी मैं लेती हूँ उसमें मैं कॉटन फैब्रिक ही प्रेफर करती हूँ जितना हो सकता है. अगर नहीं तो फिर देन ऑप्शन वाइज अपन चल लेते हैं. तो आई जस्ट लव दिस टॉप. और बहुत क्यूट कलर है. अगर पसंद आता है तो इसका वीडियो शो हो रहा होगा साइड में, आप देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है. और आई जस्ट गिव इट अ 5 स्टार एंड आई एम सो हैप्पी विद द. जो नेक्स्ट टॉप है वो है एक क्रॉप टॉप. ये भी क्रॉप टॉप ही है और इसकी स्लीव्स है इतनी और इसका साइज़ है एस, क्योंकि मैंने उसको एक्सेस में बुला के बहुत बड़ी गलती की तो मैंने फिर उसको एस में बुलाया. और इसका भी लुक बहुत क्यूट है. बहुत इसमें यार पता नहीं, आप पे इसका कलर पिंक था लेकिन हम इसको अगर मराठी में बोले तो हम उसको अबोली कलर बोलते हैं. और पता नहीं ऐप पे क्यों पिंक कलर था इसका. सो आई एम सो शॉक्ड कि पिंक कलर कैसा हुआ ये. तो ठीक है, पिंक कलर है तो पिंक कलर है भैया आपका. तो मैंने इसको बुलाया, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 499 एंड इन सेल आई गॉट इट इन जस्ट ₹140 to ₹160 की रेंज में. मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, 2-3 महीने हो गए ना अभी तो. लेकिन प्राइस रेंज मेरी गलत नहीं है, मैं चेक करके अच्छी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और वीडियो जो शो हो रहा है उसकी साइड में भी प्राइस आपको दिख ही जाएंगी. तो प्लीज़ वो अच्छे से चेक कर लो. इसमें भी साइज एस, क्योंकि ग्रीन की गलती एक्सेस वाली मैं इसमें नहीं दोहराना चाहती थी तो इसमें इस एस बुलाया है. फैब्रिक 100% कॉटन है और आई एम जस्ट सो हैप्पी विद दिस टॉप. और लेंथ बहुत क्रॉप है जैसे कि आपको वीडियो में शो हो ही रहा होगा. और आई गिव द 5 स्टार बिकॉज कुछ कम देने की गुंजाइश ही नहीं है तो मैं क्या ही करूँ. हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉप है, मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहूँगी, मैं बहुत बहुत बात करती हूँ. तो जो नेक्स्ट टॉप है वो है एक हॉल्टर. यार कैसे पकड़ लिया मैंने इसको. ठीक है, तो ये है एक येलो कलर का हॉल्टर नेक टॉप. अच्छी से आना भाई, अच्छी ऐसा है. इसको आप ऐसे गले से डाल सकते हो तो इट्स जस्ट सो क्यूट. ये मेरे को हॉल्टर नेक पैटर्न बहुत टाइम से चाहिए था, लेकिन यार मीशो पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस ही नहीं कम हो रही थी. मैं सोच रही थी कब बुलाओ 599 699. और ये तो थे कपड़े के लिए, इतने मेरे को नहीं देने थे. इन फ्यूचर कभी बहुत पैसे आए मेरे पास तो शायद मैं ट्राई करूँ.
क्या बहुत वैसे आए, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो ठीक है, अगर तो हाँ चलो वो बाकी बात है। तो अगर कि आपको सेल के प्राइस में अगर 180 में मिलता है तो आप क्यों नहीं खरीदोगे यार, 599 से डायरेक्ट 180, आधे से भी थोड़ा सा और कम। तो ये मेरे को सिर्फ 180 में ही रहा, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 499। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, एक पाउडर ब्लू था जो मेरी इच्छा थी लेने की, लेकिन उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होके कम नहीं हुआ है, डोंट नो वाई। बहुत सारे कलर्स थे जिसकी प्राइस उतनी की उतनी ही थी, लेकिन इसकी प्राइस कम हो गई थी। सो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये कलर इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मुझ पर कि मैं बहुत खुश हूँ कि यार अच्छा हुआ कि उसका वो बॉर्डर ब्लू कलर का जो प्राइस था वो कम नहीं हुआ, वो उतना का उतना ही था और ये अच्छा कलर मेरे पास आ गया। इसमें मेरा साइज था एक्सेस। फैब्रिक इसका पता नहीं, इस फैब्रिक के बारे में मेरे को इतना, पॉलिएस्टर बोलते हैं शायद इसको, क्या पता, फैब्रिक की इतनी नॉलेज नहीं है। जो जो फैब्रिक मेरे को पता रहता है ना, मैं आपको 100% बताऊंगी कि हाँ ये है। नहीं पता है तो नहीं पता है, आज आपके देख लेना, मैं भी ये मेंशन करते जाऊंगी, नहीं पता होगा तो इसकी वीडियो साइड में अटैच होती होगी। बहुत क्यूट लुक है, बहुत सेक्सी दिखता है और 180 में और क्या ही मिलेगा। जो लास्ट टॉप है, मतलब वो लास्ट टी शर्ट है, वो है ये ग्रीन कलर का, नियॉन कलर का, जिसपे लिखा है रिलेशनशिप और बहुत बहुत बेसिक टी शर्ट है और बेसिक क्रॉप टी शर्ट बोल सकते हैं, मतलब आपकी जीन्स की बटन लेंथ है ना थोड़ा सा इतना आएगा। तो इट्स जस्ट परफेक्ट बेसिक इधर उधर जाने के लिए। जो बेसिक्स है ना मेरे पास वो ये दो या फिर ये, बहुत बेसिक है, कहीं भी आप पहन के चले जा सकते हो विदाउट एनी सोचने समझने वाली बात कि आप अनकम्फर्टेबल हो या फिर नहीं, बहुत बेसिक है। तो इधर उधर कहीं भी पहन के चले जाना, और कपड़े ऐसे लो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, जो अनकंफर्टेबल कपड़े हैं वो भी लो, ट्राई करो ज़िंदगी में हर कुछ ट्राई करो, लेकिन ऐसी जगह पहनो जहाँ पे आप खुद कंफर्टेबल हो। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जहाँ मेरी कंफर्ट लेवल है मैं वहाँ पहनूँ। सो बाकी आपके हाथ में है, आपको अगर कंफर्टेबल लगता है हर जगह कुछ भी पहना, सो या यू कैन गो विद दैट। और इसकी बात करूँ तो इसका साइज था एस, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 699 या 599, और ये मेरे को सेल में गिरा सिर्फ 160 का। एक्चुअली मेरी बहन मिंत्रा स्क्रॉल कर रही थी तो शी वाज लाइक कि जस्ट 160 ये इतना प्यारा टॉप, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया और अभी मैं पहना हुआ है इसको। लेकिन ना पता नहीं मेरे हाथ से इस पर उस दिन किसका क्या गिर गया, पता नहीं, तो सर थोड़ा सा दाग लग गया लेकिन वो जा ही नहीं रहा, मैंने बहुत बार उसको धोने का ट्राई किया। तो प्लीज़ यार ध्यान रखा करो ऐसे ना, लाइट टी शर्ट्स पे बहुत दाग आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखा करो उसका। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये वाली रील नहीं भूलना कभी भी। और मैं आपके साथ वापस आऊँगी फिर से एक नया कॉन्टेंट लेके, एक नया हॉल लेके, जिसमें होगी लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, फन एंड एक्साइटमेंट, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा बकवास ना करूँ, क्योंकि वीडियो होती है बहुत लंबी और फिर उसको एडिट में काट छाट करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। चाहे दैट्स इट फॉर टुडे, कुछ भी अच्छा लगता हो तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो चेक इट आउट एंड ले लो। 8 मिनट हो रहे हैं, 8 मिनट में बात ही करती जा रही हूँ। सो या नवी टू मंडे नेक्स्ट वीडियो लाइक नया हॉल, नवीन हॉल्स ओवर। तो पर्यंत तुम्ही हाफ आपले सगळी काळजी घ्या, आम्ही पण घेते, आणि या बाय। और क्या बोलना चाह रही थी मैं, कुछ तो भी बोलना चाह रही थी यार, ठीक है अगर याद आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लूँगी। सो और हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए थोड़ा नया है, तो कुछ भी अगर गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट करना, थोड़ा सा बेयर करना उसके साथ। मैं ट्राई करूँगी खुद को अच्छा सा अच्छा प्रेजेंट करूँ और खुद को और सुधारूँ और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या बाय।